गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन पढ़ते हैं बिहाइव बुक से, एंड दिस इज एंटाइटल्ड एज द लिटिल गर्ल। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, व्हाट शी थिंक्स अबाउट हर फादर। दिस विल बी डिपिक्टेड इन दिस स्टोरी। Before starting this story, we should go through these lines. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम्हें महसूस होता है कि जो आपके माता पिता हैं वे अब अच्छे हैं की तुलना में जब आप छोटे हुआ करते थे, उसकी तुलना में अब आपके माता पिता अच्छे हो गए हैं? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. जो उनके उनकी गतिविधियाँ, उनके कार्य पहले आपको अपसेट कर देते थे, उनके पीछे क्या, शायद अब आप उन कारणों को जानते होंगे कि उनके जो आदेश तुम्हें अपसेट करते थे वो क्यों करते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। यह कहानी एक ऐसी छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए बदल जाती हैं। पहले वो अपनी अपने पिता से डरती थी और अब वह उसकी समझ बढ़ गई है और वह संभवतया अपने पिता को अब अच्छा मानने लगी है। तो इस पे हम एक कहानी देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति था, एक ऐसा आकार था जिससे डरा जा सकता था और बचा जा सकता था। अर्थात एक छोटी लड़की के लिए अपने पिताजी की जो शक्ल थी वह डरावनी और ऐसी लगती थी जिससे बचा जा सके, अर्थात उसके सामने न जाऊं, ऐसा वह लड़की सोचती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वॉक, प्रत्येक सुबह अपने कार्य पर जाने से पहले कैन इन टू हर रूम, वह उसके यानी अपनी लड़की के कक्ष में आता, कमरे में आता एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको आकस्मिक रूप से उसका चुम्बन लेता। टू विच शी रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर, और जिसकी प्रतिक्रिया में वह अपने पिता को गुड बाय कहती थी, अलविदा कहती थी। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रूट। और तब उसे चैन की सांस, चैन की अनुभूति होती, वह खुश होती जब वह अपने पिताजी की गाड़ी की आवाज़ को ओझल होते यानी कम से बहुत क्षीण होती थी, यानी उसकी जो आवाज़ क्षीण होती थी जो लंबी सड़क पर जब उसकी उसके पिताजी की गाड़ी जाती थी और उसकी आवाज़ क्षीण होती प्रतीत होती थी, तो वह उस समय बहुत खुश हो जाती। अर्थात जैसे उसके पिताजी गाड़ी से वहाँ से दूर चले जाते तो उसे बड़ा सुकून महसूस होता, क्योंकि वह तो बिकॉज शी वर शी फ्राइटेंड विद हर फादर। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन ही केम होम, ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के वक्त जब वह वापस आते, अर्थात जब इस लड़की के पिता वापस घर आते, वह स्टेयरकेस सीढ़ियों के बगल पर नियर मीन्स नज़दीक खड़ी हो जाती थी एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी हॉल में ऊंची आवाज़ सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room. बैठक में चाय लेकर आओ। Hasn't the paper come yet? क्या अभी अखबार नहीं आया?
मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आर देयर, माँ जाओ और देखो कि मेरा बाहर पेपर तो नहीं आया है, अखबार तो नहीं आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे चप्पलों को लाकर दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स। केजिया, मदर यानी केजिया की माँ उसे बुलाते हुए कहती थी कि केजिया आप एक अच्छी लड़की हो तो आप नीचे जाओ और अपने पिताजी के जूतों को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वह लड़की यानी केजिया सीढ़ियों से नीचे जाती मोर स्लोली, और उसकी जो स्पीड थी वो और कम होती जाती है। स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वह हॉल में दाखिल होती है तो उसकी जो स्पीड है चलने की वह कम हो जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वह जो बैठक का कमरा था उसके दरवाजे को धीरे से खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, उस समय तक he had his spectacles on, उसने चश्मे पहने हुए रहते थे, अर्थात उसके पिताजी ने चश्मों को पहना हुआ रहता था। On and looked at her over them, और चश्मों के ऊपर से उसको इस तरह से देखता था जो कि उस छोटी सी लड़की को टेरिफाइंग लगता था, डरावना लगता था। यानी पिताजी के चश्मों के ऊपर से देखने का जो अंदाज था उससे छोटी बच्ची डरती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, चलो केजिया जल्दी करो और मेरे जूतों को जल्दी उतारो और उन्हें बाहर रखो। Have you been a good girl today? क्या आज आप अच्छी लड़की की तरह पेश आई? I don't know, father. पिताजी, मैं नहीं जानती, अर्थात वह हकलाती हुई कहती थी क्योंकि उसको इतनी डर थी अपने पिताजी के सामने, वो बात ही नहीं कर पाती थी। इसलिए वो I don't know, मैं नहीं जानती पापा। आगे है, You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. यदि तुम ऐसे ही don't know, मैं नहीं तुम नहीं जानती ऐसे कहोगी, और if you stutter like that, यदि तुम इसी तरह से हकलाओगी, तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people. वह दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली उसकी जो हकलाहट थी वो अन्य लोगों के सामने बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, लेकिन ओनली विद फादर, जब पिताजी उससे बात करते थे तब वह हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह तब प्रत्येक शब्द को सही तरीके से कहने की भरसक कोशिश करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, क्या मामला है, तुम इस तरह से चिंतित क्यों लगती हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ, ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो सुसाइड करने, आत्महत्या करने की बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है। हियर केजिया, कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरा टी कप ले जाओ बैक टू द टेबल, मेज की ओर केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेरे टी कप को मेज की ओर ले जाओ। ही वाज सो बिग, वह बहुत बड़ा था, यानी केजिया के जो पापा थे वो बहुत बड़े थे दिखने में,
हिज हैंड्स एंड नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, एस्पेशियली हिज माउथ, मुख्य रूप से उनका मुंह, व्हेन ही यॉन्ड, जब वे जम्हाई लेते तो उनका मुंह और बड़ा हो जाता। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, उनके बारे में सोचना, अकेले में उनके बारे में सोचना ठीक उसी तरह से सोचना होता था जैसे एक दैत्य के बारे में सोचा जा रहा था। अर्थात उसे लगता था कि मेरे माई फादर वॉज जस्ट लाइक अ जायंट। ऑन संडे आफ्टरनून गैन मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार अपराहन को दादी उसे यानी केजिया को अपने पिता से अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए बैठक में भेज दी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जो छोटी बच्ची यानी केजिया हमेशा अपने माता को पढ़ते हुए और पिताजी को सोफे पर पसरे हुए देखती थी। अर्थात उसकी माता तो कुछ न कुछ पढ़ती थी और उसके पिताजी सोफे पर आराम फरमाते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसकी रुमाल यानी उसके पिताजी की रुमाल उसके चेहरे पर होती। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके जो पैर होते सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ गद्दियों में होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत गहरी नींद में सोए रहते और खर्राटे देते, स्नोरिंग खर्राटे देते। यहाँ देखिए आप इस चित्र में देख रहे होंगे आप कि जो उसके पिता हैं उन्होंने अपने चेहरे को हैंडकरचीफ से ढका हुआ है, जो सोफे पर लेटे हुए हैं, और उनके जो फीट हैं, जो पैर हैं, पांव कहाँ हैं, कुशन के ऊपर हैं, और उनकी जो माँ है वह पुस्तक या कोई पत्रिका होगी उससे पढ़ रही थी, और केजिया बेचारी यहाँ पे खड़ी खड़ी उन्हें देख रही है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर, ये हमने पढ़ लिया था, इससे आगे देखते हैं। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्टेज्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। शी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठती ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स गंभीरतापूर्वक, वॉच्ड हिम उसे बहुत गंभीरतापूर्वक देखती, अंटिल ही वोक जब तक वह नहीं जाग जाते, अर्थात जब तक उसके पापा नहीं जाग जाते तब तक वह उन्हें गंभीरतापूर्वक देखती एंड स्ट्रेस्ड, और जब तक वे अंगड़ाई नहीं ले लेते तब तक वह गंभीरता से उनको देखती एंड आस्क टाइम और समय पूछती, देन लुक एट हर तब उस पर देखती। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, इस तरह से मत घूरो केजिया, तुम एक छोटी भूरे रंग की के उल्लू की जैसी दिखती हो। अर्थात उसके पिताजी उसे भूरे रंग का उल्लू यानी भूरा उल्लू कह रहे हैं। वन डे व्हेन शी वाज कैप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन जब वह अंदर ही रही क्योंकि उसे जुकाम हुआ था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसे कहा कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन है, एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, उसे अपने पिताजी को एक पिन कुशन गिफ्ट करना चाहिए। पिन कुशन मीन्स एक ऐसी गद्दी जिसपे आलपिन वगैरह रखते हैं।
फॉर अ गिफ्ट आउट। उपहार के रूप में वह अपने पिताजी को एक पिन कुशन भेंट करे ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि किसका बना हो, सुंदर रेशमी पीले रंग के रेशमी कपड़े का एक सुंदर टुकड़ा हो, उससे वह पिन कुशन बना हो। ये लेबोरियसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, बड़े जतन से बड़े प्रयत्न से विद डबल कॉटन दो सूती जो कपड़े थे उसने उसको डबल किया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, और उसने क्या किया, उस जो कुशन बनाया जो उसने दो फोल्ड उसके किए सूती कपड़े के, उसे तीन ओर से तीन साइड से उसको सिल लिया, है ना, स्टिच कर लिया, सिल दिया उसे। बट व्हाट टू फिल इन, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें क्या भरा जाएगा, दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न उसके पास था। वो नहीं समझ पा रही थी कि इस थैले में अब क्या मैं भरूं। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी जो थी वो बाहर बगीचे में थी, एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह अपनी माँ की माँ के शयन कक्ष में गई टू लुक, देखने के लिए, फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स टुकड़े, कागज़ अथवा कपड़ों के टुकड़ों को देखने के लिए वहाँ गई। ऑन द बेड टेबल, जो बिस्तर था वहाँ पे शयन कक्ष में, उसके बगल में जो मेज थी उस पर शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने देखा कि एक बड़ी सी कई शीट्स हैं अच्छे पेपरों के, अच्छे कागज़ की कई शीट्स वहाँ पे थी। गैदर्ड देम, अब उन्हें उसने इकट्ठा किया, टोर देम इन टू टाइनी पीसेस, और उन उस कई जो कप जो वहाँ पे कपड़े सॉरी कपड़े नहीं कागज़ थे उनके उनको उसने कई छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उस केस में यानी जो उसने थैला बनाया हुआ था उसमें उसने उन्हें भर दिया। यहाँ पे स्टफ मीन्स होता भरना यहाँ पे। देन सीड अप द फोर्थ साइड, और तब उसने क्या किया, इस पिन कुशन को चौथी तरफ से यानी उसने उसे बंद कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को उस घर में बहुत अफरा तफरी का यानी बहुत कोलाहल का दृश्य रहा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो पिताजी ने एक लंबा सा भाषण लिखा था किसके लिए, द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वह तो गायब हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से प्रश्न किए गए, फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंततः माँ केजिया के कमरे में दाखिल हुई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, केजिया मुझे मालूम है, मैं मानती हूँ कि आपने मेरे कमरे के मेज में कागज़ के टुकड़े नहीं देखे होंगे, सॉरी कागज़ नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सैड, उसने कहा, अरे हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया। सरप्राइज क्या था, अपने पिताजी के जन्मदिन पर गिफ्ट देना। क्या गिफ्ट था, एक पिन कुशन देना। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ ने जोर से आवाज़ दिया, ने माँ जोर से चिल्लाई, उसने कहा, व्हाट क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण भोजन कक्ष में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसको घसीटते हुए वहाँ तक ले गए जहाँ उसके पिताजी आगे और पीछे
इधर उधर टहल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनकी उनके जो दोनों हाथ थे वो पीछे की ओर थे, और वह परेशानी में तेजी से आगे पीछे चल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा उसने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेंड, माँ ने व्याख्या दी या माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और वह उस बच्चे की ओर घूर कर उसने देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया? नो नो, शी व्हिस्पर्ड, वह उसने फुसफुसाते हुए बुदबुदाते हुए कहा। नहीं, मैंने यह नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, माँ जाओ और उसके कमरे से उसे उस शापित वस्तु को यानी खेजिया को नीचे ले आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इसी क्षण उसको उसके बिस्तर से उठाकर ले आओ। क्राइंग टू मस्ट टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह क्राइंग टू मस्ट टू एक्सप्लेन, वह बताने के लिए बहुत जोर से रो रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम, वह एक अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी को देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो फर्श था उस पर क्या कर रही थी, वो छोटे छोटे नमूने बना रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और तभी उसके पिताजी उस कमरे में आए और उनके हाथ में एक डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उसने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटूंगा, पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई और उसने कहा अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वह बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसे उसने उन कपड़ों को यानी बेड क्लोथ्स को एक ओर खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा खड़े हो जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को अपने हाथों को बाहर निकालो, अर्थात अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार बताना जरूर चाहिए कि जो तुमसे संबंधित चीज़ें नहीं हैं तुम्हें उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसकी गुलाबी हथेलियों पर डंडा जोर से पड़ा। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, When grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, कुछ घंटों बाद, when grandmother, जब दादी ने उसे अपने शॉल में लपेटा और उसे रॉकिंग यानी झूलती हुई चेयर में झुलाया, the child clung to her soft body. जो बच्ची थी वह उसकी मुलायम शरीर से चिपक गई। क्लिंग में चिपकना, क्लंग में चिपक गई। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ही सॉब्ड, वह उसने सिसकियाँ ली और कहा कि भगवान पिताओं को क्यों बनाते हैं। हियर्स अ क्लीन हैंग केक डार्लिंग, प्रिया यहाँ एक साफ जो रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोछो। गो टू स्लीप, और सोने चले जाओ। बैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक यह सब कुछ भूल जाओगी।
आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पिताजी को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वह आज रात को कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह इतना उदास था कि वह कुछ भी सुनने को आज रात के लिए तैयार नहीं था, अर्थात उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन उस बच्ची ने कर वह बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, उसने उसे देखा। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने जैसे अपने पिताजी को अगली बार देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को सीधे बहुत तुरंत बहुत जल्द पीछे कर दिया। एंड अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक्स, और उसके गालों में लालिमा तैर गई, अर्थात उसके गाल लाल हो गए डर से। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड्स यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स लिखा गया है, तो है ना मैकडोनल्ड जो परिवार था वो बगल में रहता था, यानी पड़ोस में रहता था। नेक्स्ट डोर मीन्स नेबरहुड में। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, दीवार पर एक छोटा सा छेद था जिससे वह द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, जिससे वह छोटी लड़कियां ने केजिया उन्हें टैग को खेलते हुए देख रही थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, द फादर विद द बेबी, उसके जो जो मैकडोनल्ड्स परिवार था उसमें जो पिता थे वह अपने बच्चों के साथ थे। माओ एक लड़की का नाम है, ऑन हिज शोल्डर्स उसके यानी अपने पिताजी के कंधों पर थी। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दो छोटी लड़कियां उसके कोट के जेब से लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, जो आंगन में उनके गुलदस्ते थे या जहाँ फूलों की जो क्यारियाँ थी उनके चारों ओर वह दौड़ रहे थे, शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से हंस रहे थे। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो लड़के थे उन्होंने होज मीन्स यहाँ पे पाइप है, जो पानी का जो पाइप था उन्होंने अपने पिता की ओर उसे किया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और सारे समय वह उनको पकड़ने हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करता था, अर्थात उन्होंने अपने पिताजी को भी पानी के पाइप से बिगाड़ डाला। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने यह फैसला किया, अर्थात उसने यह निर्णय लिया या उसने यह सोचा कि विभिन्न प्रकार के पिताजी हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के पिताजी हैं जो अपने बच्चों के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। अब वह सी वॉज कंपेयरिंग हर फादर विद मैकडोनल्ड्स फादर। सडनली वन डे, एक दिन अचानक मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ी। एंड शी एंड कैन मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी जो दादी है वह अस्पताल गए, अर्थात केजिया की माँ और उसकी दादी कहाँ गए, हॉस्पिटल गए और बीमार पड़ी केजिया की माँ। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो छोटी लड़की थी वह घर में अकेली रही विद एलिस, एलिस के साथ जो कि एक रसोईया थी, एक कुक थी। दैट वॉज ऑल लाइट इन द डे टाइम, दिन के समय में सब कुछ ठीक था। यहाँ देख रहे हो आप, ये मैकडोनल्ड फैमिली है, यहाँ पे जो मैकडोनल्ड फैमिली में जो पुरुष हैं यानी जो पिता हैं, माओ एक लड़की थी जो उनके शोल्डर्स में बैठी हुई है, दो बच्चे ये एक और दो बच्चे उस पिताजी की कोट की जेब से लटके हुए हैं, और दो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये आप फ्लावर बैड्स देखो, आप जो फूलों की जो क्यारियां हैं उसके चारों ओर दौड़ रहे हैं, और यहाँ से बेचारी केजिया देख रही थी उन्हें।
बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही जबकि जो एलिस थी वह बिस्तर लगा रही थी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वह अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क, जब उसने पूछा यदि मुझे दुस्वप्न आएगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे अक्सर दुस्वप्न, बुरे सपने आते हैं और तब ग्रैनी यानी मेरी दादी मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, वह यह बात धीरे से कहती रही। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस, एलिस ने कहा कि बच्चों, बच्ची यानी केजिया को कहा आपको सोने जाना है। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसके मोजे उतारे। एंड डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाना मत। एंड वेक योर फादर, अपने पिताजी को मत उठाना या जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही दुस्वप्न उसे, बुरा सपन उसे आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, उसने सपने में एक कसाई को और एक चाकू, उसके हाथ में चाकू था, एंड अ रोप और एक रस्सी थी। वो केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, जो सपने में उसके बहुत नज़दीक आया मुस्कुराते हुए, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत भयानक थी, ड्रेडफुल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिली नहीं। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह चुपचाप रही। क्राइंग आउट, वह जोर से चिल्लाए। ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, उसने कहा दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवियरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उस वह जागी, वह कांपते हुए जागी टू सी, देख कर कि उसके जो पिताजी हैं उसकी उसके बिस्तर के बगल पर हैं या उसके बिस्तर के नज़दीक हैं, पास में हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सैड, उन्होंने कहा क्या मामला है। ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वांट ग्रेनी, अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle. उन्होंने यानी उसके पिताजी ने मोमबत्ती बुझाई। Bent down, नीचे झुके, and caught up the child in his arms. और उन्होंने अपनी बाह में उस बच्ची को यानी केजिया को उठाया। Carrying her along the passage. और उस रास्ते से उसको ले गए to the big bedroom. अपने बड़े से शयन कक्ष की ओर उसको उठाते हुए ले गई। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक समाचार पत्र बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र को दूर रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब सावधानी पूर्वक बच्चे को बिस्तर पर रखा। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल में लेट गए, यानी उसके जो पिताजी थे उसके बगल में वो भी लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, वह अभी भी हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, यहाँ पे केजिया की बात हो रही है, उसे अभी भी नींद, आधी नींद थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, उसे अभी भी उस कसाई का मुस्कुराता हुआ भयानक चेहरा दिख रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे अभी भी उस बुच्चर का मुस्कुराता हुआ भयानक चेहरा अपने सामने दिखा। वह रेंग कर या धीरे से अपने पिताजी के पास और पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने उसकी बाँह यानी अपने पिताजी की बाँह के नीचे अपने सिर को घुसा दिया। हेल टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिताजी की कमीज को उसने कस कर पकड़ रखा था, पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, तब जो अंधेरा था
वह ज़्यादा मायने नहीं रखता था। शी ले स्टिल, वह चुपचाप लेट गई। यू रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, सेड फादर। पिताजी ने कहा कि ये मेरे पैर हैं, अपने पैरों को मेरे पैरों से मलो या उन पर रगड़ो, एंड गेट देम वॉर्म, और ताकि आपके पैर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्चे से पहले ही उसके पिताजी चूंकि थके हुए थे वह सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र भावना उसमें आई, यानी खीजिया के मन में एक भावना आई, पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं थे आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उन्हें उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी से सख्त थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो सख्ती थी, उनकी जो कठोरता थी, वह अच्छी थी। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना होता था, एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वे वॉज टू टायर्ड, वो इतने थक जाते थे कि वो श्रीमान मैकडोनाल्ड की तरह मुझसे नहीं खेल सकते थे, मेरे साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, उसने उसकी सुंदर, जो उसने सुंदर भाषण लिखा था, उसने उसको फाड़ दिया था। शी स्टर्ड, वह हिली सडनली, अचानक वह हिली एंड साइड, और उसने चैन की सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क फादर, उसके पिताजी ने कहा, क्या बात है बेटा, अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें कोई अन्य दूसरा सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल पर था। छोटी बच्चे ने कहा, अरे मेरा जो सिर था वो आपके हृदय के ऊपर था, यानी दिल पर था। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है फादर डियर, प्यारे पिता, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा। तो इस तरह से बच्चों, जो पहले के लिए अपने पिताजी से बात करने में भी डरती थी, आज देखिए जब उसको अकेले सोना पड़ा और उसे दुस्वप्न आया, तो उसके पिताजी ने उसको अपने साथ सुलाने के लिए ले गए, और उसके पिताजी ने उसे जब अपने साथ सुलाया, वो तो सो गई, लेकिन ये बेचारी इसके मन में अब ये कंपैरिजन कर रही है, मैकडोनाल्ड जो फैमिली थी उनमें जो माओ के पिताजी थे और अपने पिताजी से, और वो अब उसको समझ आ रहा है कि मेरे पिताजी, क्योंकि उनको उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसे लगता था कि मेरे पिताजी थके हारे आते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मेरे साथ इस तरह से, जिस तरह से माओ के पिताजी खेल अपने बच्चों के साथ हंसी खेल करते हैं, उस तरह से मेरे पिताजी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझसे इतना खेलें या मेरे साथ इतनी हंसी मजाक करें। तो अंततः उसे, शी चेंज्ड हर माइंड टुवर्ड्स हर फादर, और अब वह अपने पिताजी को अच्छा मानना उसने शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही एक, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी।